हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। और जैसे लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था अमेज़न हॉल का कि मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया है अपना घर को डेकोर करने के लिए, तो उसके बाद ही ये वाला वीडियो मैं शूट करने लगी थी। वैसे पता नहीं आप लोगों के साथ कितना होता है, हम लोगों के साथ तो बहुत होता है कि जितना सोच के आपने शॉपिंग किया कि मुझे घर में इस जगह पर ये सारे सामान लगाना है, उसके बाद जब आप सेट करते हो तो आपको लगता है नहीं और भी कुछ सामान की ज़रूरत है। ये तो होता ही है ना, क्योंकि जितना आप ऐसे काम करोगे उतना आपको आइडिया मिलता है, क्योंकि जो इमेजिनेशन है ना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। और आप जब प्रेजेंट में वो चीज़ अप्लाई करेंगे वो अलग होता है। तो जब हम लोग होम डेकोर कर रहे थे जो हमारा हॉल रूम है वो, उसके बाद काफ़ी सारा चीज़ हम लोग को ऐसे लगा के इसमें और भी चीज़ें ऐड करना है, तो पूरा तो ये डेकोर नहीं हो पाया था। जितना सामान हम लोगों ने मंगाया है उतना से ही डेकोर किया, और बाकी सारे चीज़ जो है हम लोगों ने ऑर्डर किया है या कुछ ऑर्डर करने वाले कि इसमें और भी चीज़ें प्लेस करना है, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि कैसे हम लोग ये डेकोर कर रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं मायरा भी एकदम ज़ोर जोर से लगी हुई है कि हम लोग सारे चीज़ को सेट कर, उसको बहुत मज़ा आ रहा था उस दिन। तो चलिए आप लोग देखिए कैसे हम लोग डेकोर कर रहे हैं इस घर को। तो जितना भी डोर है हमारे घर पर ना, उसमें सारे ये कर्टन लगा दिए हैं। अब तो ये सब जगह सारे एम्प्टी है, उसको भी डेकोर करना है। तो ये जो है मेन एंट्रेंस है, ये जो है ना, ये सर्वेंट रूम है।
इसको एज अ स्टोर रूम यूज़ करते हैं, और ये जो है ये हमारा हॉल रूम का एंट्रेंस है। अब देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, ये हल्का सा दिख रहा है अंदर क्या है। तो ये जो कारपेट है वो तो मैं दिखाई चुकी थी, और देखिए कार्टन कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। हाँ इतना ज़्यादा शाइनी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सारी चीज़ का लिंक, आप लोग उसको चेक कर सकते हो। और इसका इसमें चार मंगाए हम लोग ने, और जो फॉल है ना फॉल भी बहुत अच्छा आया है। और देखिए ये जो कुशन, सॉरी कुशन नहीं, सोफ़ा का कवर जो है ना, मैं बोल रही थी ना उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं लगा, पर जब हम लोग ने इसको बिछाया ना इसके जो कुशन कवर है उसके साथ, तो ये अच्छा ही लग रहा था। तो हम लोग ने बोला चलो इसको रहने ही देते। तो ये कुशन कवर ये तो बहुत ही प्यारा है, सन स्माइल कर रहा है। और यहाँ पर थ्री वाला सिटर रखें, ये अच्छा लग रहा है ना, प्लीज़ मुझे बताना अगर अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि जो कुशन कवर है ना ये भी थोड़ा सा ऑफ वाइट और कलरफुल है, और जो सोफ़ा का कवर है ऊपर वाला वो भी ऑफ वाइट और कलरफुल है थोड़ा सा, तो एकदम अच्छे से मैच कर रहा है। दिस इज माई फेवरेट वन, ब्लैक ब्यूटी। और ये है वो केज जो मैंने दिखाया था, ये बुद्ध की मूर्ति रखे हम लोग ने, ये टेबल मैट इसमें लगा दिया है एक, और पीछे आर्टिफिशियल प्लांट भी लगा दिया। और ये इसको मैं लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। और जो मनी प्लांट मंगाए थे उसको लगा दिए यहाँ पर, अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी एकदम रिफ्रेशिंग हो जाता है। उसमें से एक पत्ता आपको यहाँ पे खाली दिख रहा होगा, ये मायरा ने तोड़ दिए, लगा दूँगी, मैंने रखा है उसको। और देखिए ये चेयर कवर, जो डाइनिंग टेबल है ना उसका लुक्स बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है, कितना रॉयल लग रहा है। और ये मैट अब देख सकते हो मैं कितने फोर्सफुली इसको मतलब इधर से उधर करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये हो नहीं रहा है। ये बहुत अच्छा ग्रिप है इसका, क्योंकि इसके जो ये रबर है ना इसमें बहुत अच्छा क्वालिटी का है ये। इसमें भी हम लोग ने एलईडी लाइट लगा दिया है, दो एलईडी लाइट है इसमें। और ये वुडन ट्रे को मैं ऐसे यूज़ की, इसमें एक मनी प्लांट रख दिया मैंने। अच्छा लग रहा है, टेबल का लुक्स बिल्कुल बदल गया है। और ये है वो मिरर स्टिकर, ये कम हो गया था, तब मुझे लगता था और दो मंगाते तो पूरा ये जगह कवर हो जाता, बट ये बटरफ्लाइज है ना उसको लगा के हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया इसको। और ये कुशन कवर को यहाँ पे रख दिया और बाकी सारे वहाँ पे रख दिए। और ये है वो रनर, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत पतला है देखिए। बस और ये जो है डिशवाशर, ये तो मैंने दिखाई दी थी पहले। और जो और कर्टन है वो यहाँ पे लगा दिए इस रूम में, इस रूम में। ओके दोस्तों, तो ये रहा मेरा होम डेकोर का हॉल। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि कैसे मैंने चीज़ों को अरेंज किया है। और मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहूँगी आप लोगों का प्यार के लिए, इतना सारा प्यारा प्यारा कमेंट के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ढेर सारा सपोर्ट करने के लिए।
तो मिलते हैं बहुत जल्दी मेरा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।